इलॉन मस्क अब दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान बन चुके हैं विद अ नेटवर्थ ऑफ 195 बिलियन डॉलर्स, और उन्होंने सिर्फ एक साल में ही 160 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं। क्यों, शौक हो गए ना? तो क्या आप जानना चाहते हो ये सब कैसे हुआ? चलो तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। इलॉन मस्क 1999 में ही मिलियनर हो चुके थे जब वो सिर्फ 27 साल के थे, और उसके बाद मिलियनर से बिलियनर बनने के लिए इलॉन मस्क को पूरे 14 साल लगे। अप्रैल 2020 तक उनका नेटवर्थ सिर्फ 24.6 बिलियन डॉलर्स था, और वही जेफ बेजोस का नेटवर्थ 138 बिलियन डॉलर्स था, और जनवरी 2021 में इलॉन मस्क का नेटवर्थ 195 बिलियन डॉलर्स हो चुका था, जो कि अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस से करीब 9.5 बिलियन डॉलर्स ज्यादा है। इलॉन मस्क ने सिर्फ लॉकडाउन में ही 138 बिलियन डॉलर से ज्यादा कमाए हैं, और ये अमाउंट दुनिया के सभी टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की नेटवर्थ से भी कई गुना ज्यादा है। इतना बड़ा बूस्ट टेस्ला के शेयर प्राइसेस पिछले साल से 743% से सर्च होने के कारण हुआ है। आज टेस्ला का मार्केट कैप 871 बिलियन डॉलर्स है, जो कि टोयोटा, वोक्सवैगन, ह्युंडई, जनरल मोटर्स और फोर्ड को मिलाकर भी कंपेयर किया जाए तो भी उससे ज्यादा है। टेस्ला में इलॉन मस्क का शेयर 20% है, और 2020 के स्टार्ट में वो दुनिया के 35th रिचेस्ट पर्सन थे, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड बढ़ने की वजह से, और साथ ही यूएस गवर्नमेंट ने भी ग्रीन एजेंडा को सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक कार्स पर ज्यादा फोकस किया है, जिसके चलते 2020 में टेस्ला के सेल्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गए और इलॉन मस्क दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए। इतना ही नहीं, ऐसे माना गया है कि इलॉन मस्क दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनर भी बन सकते हैं। इलॉन मस्क के सक्सेस का राज ये है कि वो हमेशा एक कॉमन प्रॉब्लम को पकड़ते हैं और उसमें रिवॉल्यूशनरी चेंज लाते हैं। जैसे कि एक समय ऐसा था जब लोग ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस की वजह से बैंक्स में लंबी लाइनें लगाते थे, ये देखकर उन्हें पेपाल का आइडिया आया। शुरुआत में पेपाल पर भी लोग कम ट्रस्ट करते थे, लेकिन बाद में पेपाल ने भी बहुत बूस्ट लिया। ऐसे ही एक दिन जब वो ट्रैफिक में फंसे थे और बहुत देर तक ट्रैफिक में होने के कारण वो फ्रस्ट्रेट हो गए, और तब उन्होंने ये सोचा कि वो ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक अंडरग्राउंड टनल्स के थ्रू कम करेंगे, और इससे शुरुआत हुई थी बोरिंग कंपनी की। जहां बाकी कार्स कार्बन एमिशन की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट करती है, वहां इलॉन मस्क ने टेस्ला कार्स में कई नए चेंजेस लाकर इलेक्ट्रिक कार्स की इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाया, जिसके चलते टेस्ला आज कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है। अर्थ पर ह्यूमंस पैदा तो हुए हैं, लेकिन ह्यूमंस अर्थ तक ही सीमित ना रहे, इसीलिए इलॉन मस्क मार्स प्लैनेट पर ह्यूमन कॉलोनीज बसाना चाहते हैं, और उन्होंने ये तक कहा है कि वो 2030 तक मार्स प्लैनेट को भी कॉलोनाइज करेंगे, और इसके लिए उन्होंने स्टार्ट की खुद की स्पेस कंपनी स्पेसएक्स, जहां वो कई बार फेल होकर भी हिम्मत रखकर डटे रहे, और आज ये कंपनी वन ऑफ द रीनोन्ड कंपनी में से एक है। बहुत सारे नाकामयाबियों का सामना करते हुए इलॉन मस्क आज इस मुकाम पर खड़े हैं। एक समय ऐसा भी था जहां वो सिर्फ $1 पर एक दिन का गुजारा किया करते थे, और आज वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन होने के बावजूद बहुत ही डाउन टू अर्थ और हार्ड वर्किंग पर्सन है। बहुत लोगों को ये भी लगता होगा कि इतने सारे पैसों का इलॉन मस्क क्या करेंगे। इसका जवाब भी उन्होंने 2 साल पहले ही अपने ट्वीट से बताया था, जहां उन्होंने ये कहा था कि वो अपनी आधी दौलत धरती के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्पेंड करेंगे, और आधी दौलत से वो मार्स प्लैनेट के ऊपर इंसानों के लिए एक अलग शहर बनाएंगे, ताकि अगर धरती पर कोई बड़ा संकट आए और धरती नष्ट हो गई, तो मार्स एक दूसरा प्लैनेट होगा जहां लाइफ एग्जिस्ट करेगी। ऐसे फ्यूचरिस्टिक इलॉन मस्क की कहानी और कामयाबी सच में बहुत इंस्पायरिंग है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।